नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश महिला युवा किसान सबका विकास सबका सम्मान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्राथमिक विद्यालय भित्रीपुरे बनायकापुर प्राथमिक विद्यालय पर श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी अधिकारी ब्लॉक एवं भित्री ग्राम सभा की जनता उपस्थित रही। ग्राम सभा अध्यक्ष प्रधान श्री उदय भान यादव एवं सचिव श्री अवधेश कुमार वर्मा, वीडियो श्री अखिलेश कुमार एवं ग्राम के सभी वासी उपस्थित रहे। इंडिया समाचार से दाता दीन यादव, कैमरामैन काजल के साथ। जानकारी आज इस मंच से आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे योजनाओं का लाभ हम प्राप्त कर सकते। इसीलिए क्रम में कृषि विभाग की कुछ योजनाएं हैं, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है, जिसमें एक है पहली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जिन किसान भाइयों के पास कृषि योग्य भूमि है, जिन ग्रामीणों के पास कृषि योग्य भूमि है, उन सभी को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से की जाती है। ये जानकारी लगभग सभी किसानों को है और सब जो है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,000 करके साल में 3 बार सरकार से आर्थिक सहायता पा रहे हैं। यदि किसी किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ यदि अभी नहीं मिल रहा है, पंजीकरण नहीं है, तो ऐसे किसान भाई अपना आधार कार्ड लेके खेतौनी लेकर जनसेवा केंद्र पर चले जाएं और ऑनलाइन करवा दें। ऑनलाइन करवा देंगे तो उनका जो है वेरिफिकेशन होगा तहसील के द्वारा, जिला के द्वारा और राज्य के द्वारा। जब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा तो आपको जो है 2,000 रुपये साल भर में 3 बार आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक योजना है कृषि विभाग की तरफ से कि जब आप खेती के लिए कोई भी बीज खरीदते हैं, धान, गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, जौ, ज्वार, बाजरा, कुछ भी जब आप खरीदते हैं, तो सभी बीजों पे सरकार की तरफ से 50% का अनुदान। श्री राम केवल पुत्र शिव शरद। अरे ठीक, श्री राम केवल श्री राम केवल जी सीधा राज्य का फोटो अच्छा है। श्रीमती अमर पति पत्नी हरिश्चंद्र, श्रीमती अमर पति पत्नी हरिश्चंद्र, जसकरण श्री जसकरण पुत्र यशकरण पुत्र गंगा दीन, आइए आइए, यश करण पुत्र गंगा जी से थोड़ा पकड़ लिया हमारे भाई। राम दीन पुत्र भुल्लो, राम दीन पुत्र भुल्लो, किसान सम्मान निधि का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके बारे में जी साहब ने बताया होगा कि वर्ष में 6,000 रुपए ऐसे किसान
जो इनका पंजीकरण हुआ है, 6000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय का। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, इनको शौचालय का लाभ प्राप्त हुआ है। अनिल कुमार साहब वरदान, अनिल कुमार पुत्र साहब वरदान, पप्पन प्रसाद पुत्र सत्यनारायण, पप्पन प्रसाद पुत्र सत्यनारायण। इस क्रम में यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हुए लाभार्थी ऋषिकेश पुत्र प्रकाश चंद जी, ऋषिकेश पुत्र प्रकाश चंद जी, श्रीमती शिव कुमारी पत्नी कृष्ण कुमार, ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे उपस्थित जिला मंत्री श्री मौर्या जी एवं बीजेपी के अन्य पदाधिकारी, हमारे एडीओ आईएसपी, हमारे एडीओ कोऑपरेटिव, एडीओ एमआई एवं ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता, आपका हार्दिक अभिनंदन प्रार्थना करता हूँ। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एक कार्यक्रम है, आप लोग जानते हैं कि भारत एक तीसरी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि जन जन तक ये हमारे लक्ष्य को बताया जाए कि कैसे हम लोग इसको प्राप्त करेंगे और आपका सहयोग इसमें अपेक्षित होगा। और इसी उद्देश्य से ये यात्रा कार्यक्रम निकाला गया है कि हम जो है विश्व के तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी से जल्दी 28 तक पहुँचे और इसमें आप लोगों की भूमिका प्रबल होगी। आइए खंड विकास अधिकारी, हमारा जो उद्देश्य है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका सही ढंग से क्रियान्वयन करना और आप तक ससमय उस सेवाओं को डिस्पोजल करना है पारदर्शी ढंग से, ताकि कोई उसमें कोई बिचौलिया ना हो, किसी प्रकार का आपको परेशानी ना हो और आपको बिल्कुल जो भी हमारी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हैं, चाहे कृषि से संबंधित हैं, चाहे आपका समाज कल्याण से संबंधित है, सब सारी योजनाओं को सही ढंग से आपको डिस्पोजल करना है। आपको कहीं भी किसी बिचौलिया या कोई आपको एक नया पैसा किसी इस सेवा के लिए ना देना पड़े, निःशुल्क आपको ये सेवाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि भारत पूर्व में यदि आप जाए सोने की चिड़िया कहलाता है, हम उसी हमारा प्राचीन गौरव था उसको प्राप्त करने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। हम हमारी जो से बताया है कि हमारी कार्यक्रम क्या है और हम कैसे इसको एक्सीव करें, तो हमारे आपसे यही अपील है कि आप जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो आपको किसी प्रकार की कठिनाई या समस्याएं आती हैं, हमारे विकास कार्य में आप आकर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। प्रतिज्ञा लेता हूँ, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे।
गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद।